फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिक्स क्लास साइंस बुक चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास सिक्स साइंस बुक के चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। लीव्स अपना फूड सनलाइट के प्रेजेंस और एक ग्रीन कलर के सब्सटेंस के प्रेजेंस में बनाते हैं, जो इनके पास खुद रहता है। वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस लीव्स के पास खुद रहता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। फॉर दिस दे आल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी यूज करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज करके अपना फूड बनाते हैं, तो इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। लीव्स जो फूड बनाते हैं, वो अपने आप से ही प्लांट के अल्टीमेटली ही प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाता है। तो चलिए एक फिगर के थ्रू हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए इस फिगर के थ्रू हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एकदम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, लीव्स अपना फूड इन फोर सब्सटेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। वो फोर सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है वाटर। थर्ड है सनलाइट। फोर्थ है क्लोरोफिल। तो इन फोर सब्सटेंसेस का यूज लीव्स फूड प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लीव्स इन फोर सब्सटेंसेस को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो सनलाइट प्लांट्स सन से ऑब्जर्व करते हैं, वाटर रूट से ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से? एयर से ले लेते हैं, और क्लोरोफिल पत्तियों के पास खुद क्लोरोफिल होता है, तो वो खुद से ही क्लोरोफिल ले लेते हैं, और इस तरीके से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं।